नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। बहुत से किसान साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि आप जो है पौध कैसे तैयार करते हो, मिर्च की है, टमाटर की है, बैंगन की है, फूल गोभी की है, सभी की पौध कैसे तैयार करते हो, बीज कैसे डालते हो। तो साथियों, आज की वीडियो में इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल HR फार्मिंग हरियाणा खेती और फेसबुक पेज विजय सैनी ब्लॉग को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो भी कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले। तो साथियों, आपको दिखाता हूँ कि कैसे बीज डाला जाता है और कैसे इस पर खाद डाला जाता है और कैसे बोरी डाली जाती है। साथियों, तो आप भी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से पौध तैयार कर सकते हो, जैसे मैंने कर रखी है। साथियों, ये देखो, इस साइड आपको मिर्च की पौध नज़र आएगी। साथियों, ये देखो जर्मिनेशन, देखो आप बीज का कितना बढ़िया है। ये टमाटर की है, इस साइड देखो टमाटर है नंदी, अभी तैयार हो जाएगा 5 से 6 दिन में। और उस साइड गोभी है, देखो भाई गोभी कितनी बढ़िया तरीके से तैयार कर रखी है। और गोभी के पौध इस साइड भी हमने डाल रखी है 15-22 की, जो पहला बैच है 15-22 का। और वो जो मम्मी जी लगी हुई है, फादर साहब भी लगे हुए हैं, वो जो बैच है वो है दूसरा बैच है 15-22 का। तो आप देख पा रहे होंगे, तो किसी भाई को फूल गोभी की पौध बुक करवानी हो ऑर्डर पर तो बुक करवा सकता है। साथियों, बुकिंग लेनी स्टार्ट कर दी है मैंने, ठीक है। और बीज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डाला जाता है। साथियों, फूल गोभी का ऐसे ही मिर्च का डाल सकते हो, बैंगन का डाल सकते हो, टमाटर का। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऐसे बीज डाला जाता है, ऐसे बीज को चेरियों में भुरकाया जाता है। साथियों, चेरी आप देख पा रहे हो कैसी है। चेरी से चेरी की दूरी की बात करूँ तो 2 इंच आपको रखनी होती है। साथियों, चेरी से चेरी की दूरी आप देख पा रहे हो 2 इंच होनी चाहिए, ये देखिए। और आप बीज देख पा रहे हो दोस्तों कैसे डाला जाता है। बैली में जो है बीज को लिया जाता है और आंगली के साथ इसको बुरका दिया जाता है, ना ज़्यादा गहरा ना ज़्यादा कम, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों आप। और ऐसे बेड बनाए जाते हैं। बेड की दूरी मैं आपको बता देता हूं साथियों, इस बेड की जो लंबाई है वो है 12-13 फुट और चौड़ाई जो है 2.5 से 3 फुट है। आप जो है एक क्यारी में 3 बेड ले सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। साथियों, आपको नज़र आ रहा होगा 1 बेड 2 बेड 3 बेड, फिर डोली लगी हुई है उसके बाद 1 बेड 2 बेड 3 बेड। तो एक क्यारी में आप 3 बेड ले सकते हो साथियों, एक क्यारी में 3 बेड आप ले सकते हो। और बेड की लंबाई और चौड़ाई आप देख पा रहे हो जैसा कि वीडियो में साथियों। उसके बाद हमें डालना होता खाद। खाद कैसे डालना है, खाद की मात्रा भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अब ये बीज है साथियों, आप देख पा रहे होंगे कैमरे में आपको नजर आ रहा होगा, ये बीज है, ये देखिए, ये आप देख पा रहे। जैसे कि खाद डालने से पहले साथियों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर कर दे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। आपको बीज नज़र आ रहा होगा। उसके बाद खाद की मात्रा कैसे रखनी है हमें, हर चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ साथियों। फिर भी वीडियो में लाइक नहीं आते, शेयर नहीं आते, पता नहीं आप वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो साथियों। तो ये देखिए साथियों, अभी मैंने यहाँ खाद गिर के दिखाया थोड़ी सी जगह में आपको, ताकि आपको पता लग जाए भी खाद कैसे डाला जाता है साथियों। तो ये देखिए, ये बीज है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बीज इस चेरी में, ये देखिए। और इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो इतनी मात्रा में हमें खाद डालना है कि बीज नज़र ना आए और ज़्यादा खाद ना डले। अगर ज़्यादा खाद डलेगा तो बीज का जर्मिनेशन लेट होगा या फिर बीज का जर्मिनेशन होगा ही नहीं। इसलिए खाद जो इतना डालना है कि बीज पूरी तरीके से कवर हो जाए। ये देखो आप, ये चेरी आपको नज़र आ रही होगी, इस चेरी में मैं कवर करूंगा, ये देखो अब आपको बीज नज़र नहीं आएगा, ये देखो साथियों। तो ऐसे हमें खाद डालना है, ये आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी जगह मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद जुट की जो बोरियां होती है, ये इस साइड रखी हुई है, ये जो बोरियां जुट की, ये इनके ऊपर ढक दीजिए और उसके बाद पानी दे दे। पानी बोरियों के ऊपर से तिराना है। आपको बहुत से साथियों कमेंट आते हैं कि पानी कैसे देना, हमें पानी छिड़कना है या पर पानी देना है, कैसे देना है। तो पानी जो है बोरियों के ऊपर से कर दीजिए, उसके बाद तीसरे दिन या चौथे दिन आपकी पौध का जर्मिनेशन हो जाएगा। जब पौध घुंडी ले जाए तो बोरी हटा दे, वो अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए जय जवान जय किसान।